ओके, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6 इन विच वी विल डिस्कस द फोक डांसेस। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्लासिकल डांसेस। तो हमने पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर में क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ लिया था, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा उन वीडियोस को। और जिसने नहीं देखा भाई, ऊपर आई बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो आप उस लेक्चर पर चले जाएंगे, उस प्ले लिस्ट पर चले जाएंगे। अब बात करें कि वट इज़ फोक डांसेज, इससे रिगार्डिंग हम आज बात करना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंस होगा क्लासिकल डांसेज में, वट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड फोक डांसेज। अगर वो कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया ना, इफ़ यू गॉट अंडरस्टैंड अबाउट द फोक डांसेज एंड क्लासिकल डांसेज डिफरेंस, तो आप लोगों के लिए चीज़ें जो है ना बहुत स्मूथ होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर फोक डांसेज का जो होगा दो पार्ट आएंगे भाई। पूरा जो ऑल ओवर इंडिया हमारे पास में फोक डांसेज होती है उनको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो वी दो लेक्चर्स इसके मैं यहाँ पर लूँगा आपको, लेकिन ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फोक डांसेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको लेके, हम फोक डांसेज और क्लासिकल डांसेज के बीच में पहले एक डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू डांसेज। तो जो फोक डांस होते हैं ना, वो कॉमन मैन जो होता है ना, कोई भी आदमी जो होता है या कोई भी पर्सन होता है, कोई भी किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में हो, तो वो उस डांस को कर सकता है, उसके लिए कोई किसी रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये फोक डांसेज जो होते हैं ना, वो बेसिकली ये परफॉर्म किए जाते हैं जब कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर कोई एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग हो चुकी हो, या कोई शादियों के अंदर में आप इसको देख सकते हैं। सच टाइप ऑफ डांसेस कैन बी परफॉर्म्ड इन ड्यूरिंग एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग और वेडिंग्स। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट फोक डांसेस डजंट हैव स्टिक टूल, इसके पास में कोई भी स्टिक टूल नहीं होता है। इसका मेन मोटिव होता है, द मेन एम इज टू फन एंड ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। इसके अंदर में पूरी एनर्जी लगा दी जाती है, एंथुसियाज्म होता है, खूब पावर होती है इसके अंदर में। लेकिन मैं बात करूँ अगर क्लासिकल डांसेस के बारे में, तो क्लासिकल डांसेस जो होते हैं वो इतने आसान नहीं होती हैं, उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, और ये केवल और केवल जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही लोग करते हैं। दिस डांसेज आर परफॉर्म बाई ओनली एंड ओनली बाई प्रोफेशनल पर्सनस विद ए लॉट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, वो बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद ही इन डांसेज को करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ में एक बहुत अच्छे से इसका डेफिनेशन डेवलप किया कि फोक डांसेज जो होते हैं वो केवल रीजनल डांसेज होते हैं, मींस दे कैन बी परफॉर्म बाय ए पर्टिकुलर स्टेट और इन एरिया। ठीक है, लेकिन क्लासिकल डांसेज होते हैं वो थ्रू आउट इंडिया हमारे पास में होते हैं, केवल हमने आठ होते हैं वो थ्रू आउट इंडिया अगर हम बात करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन अवर प्रीवियस लेक्चर, और इनके पास में रूल एंड रेगुलेशंस काफ़ी टफ होते हैं, केवल वही लोग कर सकते हैं जो ये रूल रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डांसेस को लेकर, शुरुआत करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, एक डांस है छो के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, छो के नाम से जानते हैं इसको। और छो का मतलब होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ छो, जिसका सीधा मतलब होता है एक छाया, जो वर्ड था छाया उसका, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है, और उस छाया का मतलब होता है शैडो, शैडो का मतलब छाया, जो आप लोग, तो वहीं से ये वर्ड उठाए गए छाओ नाम से। अब इंडिया के अंदर में जो है हमारे पास में तीन तरह के छाओ होते हैं, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छाओ जो है वो तीन तरह का है, कौन कौन सा, एक तो सरायकेला छाओ, दूसरा हमारे पास में मयूरभंज छाओ, और तीसरा पुरुलिया छाओ के नाम से जानते हैं। तो सरायकेला जो छाओ है वो झारखंड में किया जाता है, मयूरभंज जो है वो उड़ीसा के अंदर में किया जाता है, और पुरुलिया छाओ जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर में परफॉर्म किया जाता है। सरायकेला छाओ इज़ परफॉर्म्ड इन झारखंड, मयूरभंज परफॉर्म्ड इन उड़ीसा, एंड पुरुलिया छाओ परफॉर्म्ड इन वेस्ट बंगाल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके अंदर में जो पुरुलिया छाओ है, इसके अंदर में इस डांस के अंदर में क्या होता है, बेसिकली एक मास्क लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मास्क वो अपने चेहरे के ऊपर में वियर कर लेते हैं, और उसके बाद में डांस परफॉर्म किया जाता है। लेकिन एक ऐसा डांस होता है, वन डांस इन विच दे डोंट वियर मास्क, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच डांस द परफॉर्मेंट डोंट वियर मास्क, तो वो एक ही डांस, उसका नाम है मयूरभंज छाओ के नाम से जानते हैं। मयूरभंज छाओ कहाँ पर होता है भाई, उड़ीसा के अंदर में होता है, और उसी डांस के अंदर में कोई भी मास्क नहीं पहना जाता भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बात करता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग देखो कि यूनेस्को की जो साइट्स हैं उनकी भी मैं आपसे लोगों से बात करूँगा, यूनेस्को की जो साइट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम्स के लिए, उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर बात करें, यूनेस्को ने इस डांस को, जो कौन सा है, जो छाओ डांस है, इसको यूनेस्को ने 2010 में अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेनिजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाल दिया गया था। ठीक है, सो यूनेस्को हैज़ इंस्क्राइब्ड छाओ इन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेनिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी इन 2010। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट स्टेट से। पहले हम बात करेंगे झारखंड को लेके, झारखंड के जो इंपॉर्टेंट जितने भी डांसेज होंगे फोक डांसेज, उनको यहाँ पर देखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों को दिए गए हैं, जितना भी आप लोगों को डांसेज के बारे में डिस्कस किया है, व्हाटएवर आई हैव डिस्कस इन द लेक्चर, दीज आर मोर
मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, सो झारखंड के अंदर में सबसे हमारे पास में आता है दमकच डांस आ गया। दूसरा सरहोल डांस आ गया। देखिए सरहोल जो है वहाँ पर एक फेस्टिवल है और उसी के दौरान ये वहाँ पर डांस किया जाता है, उस फेस्टिवल के आसपास में भी किया जाता है और इसका नाम डांस है सरहोल फेस्टिवल। भी बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का, द सरहोल फेस्टिवल इन झारखंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो द फोक डांस सरहोल इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं करमा मुंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें कर्म जो होती है उनकी पूजा करी जाती है इसके अंदर में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है अग्नि, सेकंड वन इज झूमर, ठीक है। यहाँ पर हम झूमर की बात करेंगे, ये बाद में एक और आएगा, झूमर आएगा और घूमर आएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, यू हैव नॉट टू बी रिक्वायर्ड एनी कन्फ्यूजन फॉर द झूमर, ठीक है। झारखंड से शुरुआत हो रही है JH, तो इट्स फ्रॉम झारखंड। इसके अंदर में दो तरह का होता है, दिस इज ऑफ टू टाइप, जन्नी झूमर एंड मर्दाना। तो जन्नी जैसे फीमेल करती हैं और मर्दाना से बात करें तो वो हमारे पास में मेल पर्सन्स होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पाइका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइका गेम, पाइका फोक डांस। ये जो होता है ये हम बात करें इसके अंदर में कुछ मार्शल आर्ट्स का यूज़ किया जाता है, जब ये डांस किया जाता है तो वहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते हैं ये लोग जो डांसर होता है। फिर हम बात करें फगवा का, नेक्स्ट वन इज़ फगवा। फगवा कब किया जाता है, ये नियर अबाउट द होली होती है उस टाइम पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड नियर बाई होली एंड इट इज़ नोन एज फगवा। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ में चलता हूँ और राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे पहला भाई घूमर, इन द घूमर इट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सबसे पॉपुलर डांस है भाई ये और ट्रेडिशनल ये डांस है। पहले तो ये केवल एक सिलेक्टेड एरिया में किया जाता था, लेकिन अभी क्या ऑल ओवर द ये राजस्थान किया जाने लगा। नेक्स्ट हम बात करें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ घूमर जो डांस होता है ये अगर पूछ ले आप लोगों से कि कौन सी ट्राइब करती है, विस ट्राइब परफॉर्म दिस डांस, तो भील ट्राइब होते हैं, भील ट्राइब परफॉर्म दिस डांस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भवई इज़ सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। इसके अंदर में क्या होता है, ये हमारे पास में भवई के आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, द पिक्चर आई हैव शोन ऑफ द भवई फोक डांसेज इन विच द पोर्ट्स आर बैलेंस्ड, जो पोर्ट्स होते हैं जो मटके होते हैं उनको सिर के ऊपर में बैलेंस किया जाता है। कौन, मेल या फीमेल, कोई भी इनको कर सकता है, आइदर मेल और फीमेल परफॉर्म द बैलेंस नंबर ऑफ रन पोर्ट्स और ब्रास पिचर्स एज देयर डांस। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांस कलबेलिया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डांस है कलबेलिया। कलबेलिया का जो होता है बेसिकली जो कलबेलिया है यहाँ पर इसके अंदर में एक बीन का यूज़ किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो सपेरे होते हैं वो एक बीन बजाते हैं तो उसी के ऊपर में डांस किया जाता है। तो कलबेलिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। एक विंड प्लेड की जाती है स्नेक चार्मर्स के थ्रू, तो जो स्नेक चार्मर्स होते हैं दे परफॉर्म दिस डांस। वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं स्नेक ये कलबेलिया प्रजाति जनजाति की, तो वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ये इसकी पॉपुलरिटी इतनी है, द पॉपुलरिटी ऑफ कलबेलिया फोक डांस इज़ दैट यूनेस्को हैज़ अगेन एड दिस डांस इन इट्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमिनिटी इन 2011 में कलबेलिया डांस को यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट्स के अंदर में हेरिटेज जो होती हैं उस लिस्ट के अंदर में इसको डाल दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें कठपुतली, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वन इज इंटेलिजिबल एंड अनदर वन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि जिनको आप छू के बता सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं। टेंजिबल डांसेज आर दोज, टेंजिबल थिंग्स आर दोज विच कैन बी टच एंड फील बाई यू। बट इंटेंजिबल जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, लाइक सॉन्ग, गाना जो है उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, डांस है उसको सिर्फ आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते, ध्यान उसको उसे डांस को आप टच नहीं कर सकते, ऐसी साइट्स होती हैं उनको इंटेलिजिबल के नाम से जाना जाता है। जो मोन्यूमेंट्स हो जैसे कुतुब मीनार की बात करो तो कुतुब मीनार का टेंजिबल होगा क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, कुतुब मीनार इज टेंजिबल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कठपुतली। कठपुतली इज़ वेरी फेमस इन द राजस्थान, बट नाउ इट इज इट्स परफॉर्मड ऑल ओवर द इंडिया। कट का मतलब होता है लकड़ी यानी कि वुड, एंड पुतली का मतलब डोल यानी कि किसी एक लकड़ी की डोल होती है उसको सजीव बनाकर उससे डांस करवाया जाता है, कुछ धागे वगैरह लगा के वो उससे डांस करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें चरी और पोट डांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चरी और पोट डांस इट्स आल्सो परफॉर्मड इन राजस्थान, ठीक है। मेनली किसके द्वारा किया जाता है, जो गुजर कम्युनिटी होती है वो करते हैं, और इसके अंदर में जो ब्रास के जो होते हैं ना, ब्रास के यहाँ पर देखो ब्रास की जो होती हैं उन पोर्ट जो होते हैं उनको सर के ऊपर में रखते हैं और उसके ऊपर में आँच लगा ली जाती है, यानी कि उसके ऊपर पोर्ट के ऊपर में आग लगा देते हैं, एंड दे परफॉर्म दिस डांस। सो चरी डांस एंड पोर्ट डांस फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट हम बात करें कच्ची घोड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर में क्या करते हैं, स्टोरीज बढ़ाई जाती है, जो डाकू वगैरह हुआ करते थे, जो बंडिट होते थे उनकी स्टोरी इसके अंदर में डिस्कस की जाती है। चक्री डांस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गैर गवारी और तेरा ताली, तो आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। काइंडली गो थ्रू दिस ऑल डांसेज ऑफ राजस्थान,
दीज आर मोर देन सफिशियंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर फ्रॉम राजस्थान फोक डांसेज। चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की। आ जाओ उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला हमारे पास में आता है चरकुला डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम चरकुला डांस। नेक्स्ट हम बात करें, आप सबने देखा होगा नौटंकी के बारे में, नौटंकी जो नुक्कड़ वगैरह पे की जाती है टाइप ऑफ ए फोक डांसेस, ठीक है। जो चरकुला के बारे में मैं आप लोगों से बात कर लूँ तो चरकुला जो डांस है वो इतना फेमस है कि उसके अंदर में सबसे पहले तो ये सबसे डिफ़िकल्ट डांस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में 108 दी होते हैं, 1010 जो ऑयल लैंप्स होते हैं वो यहाँ पर लीड किए जाते हैं उसके सर के ऊपर में, और एक पिरामिड टाइप उसके अंदर में बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आ गया नौटंकी। नौटंकी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कहीं परफॉर्म भी कर सकते हैं, इसमें सोशल प्रॉब्लम और नेशनल जो फीलिंग्स होती है उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रासलीला, रासलीला फिर ख्याल हमारे पास में है। ओके नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर में दादरा और लास्ट वन कजरी। कजरी कब किया जाता है? कजरी डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग मानसून। कजरी जो लड़कियां होती हैं फीमेल जो होती हैं तो वो क्या इस डांस को परफॉर्म करती हैं। कब किया जाता है ये? मानसून के दौरान किया जाता है, इट परफॉर्म ड्यूरिंग मानसून। आई होप आप लोगों को उत्तर प्रदेश के जितने भी डांसेज फोक डांसेज है वो यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। यू हैव ऑलरेडी क्लियर द फोक डांसेज ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ज्वारा। ज्वारा एक ऐसा डांस है जो बुंदेलखंड एरिया में किया जाता है। यू ऑल नो दैट दिस इज यूपी एंड नियर बॉटम ऑफ मध्य प्रदेश, और ये जो रीजन है दिस रीजन दिस इज नोन एज, जहाँ पर इनका दोनों का बॉर्डर मिलता है द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड एमपी, इट इज नोन एज बुंदेलखंड एरिया। तो यहाँ पर ये डांस किया जाता है कौन सा? ज्वारा डांस किया जाता है। ओके नेक्स्ट हम बात करें मटकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम मटकी। मटकी भी कहाँ पर किया जाता है? ये दिस डांस ऑल्सो परफॉर्मड इन मध्य प्रदेश। क्या किया जाता है मटकी में? सिर्फ जो हमारे पास में मटके होते हैं उनको बैलेंस किया जाता है सर के ऊपर में, जैसे हमने राजस्थान के अंदर में देखा था, ठीक है, मटकों को इसके अंदर में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मांच, ये सुपर से भी सुपर इंपॉर्टेंट है भैया आप लोगों के लिए। क्यों है? क्योंकि इस डांस के अंदर में कुछ वेस्टर्न जो डांसेस की है ना वो क्वालिटीज इसके अंदर में देखने को मिलती है। सो बेसिकली इट शोज ए लिटिल बिट वेस्टर्न कल्चर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड लास्ट वन इज गिड्डा डांस। गिड्डा डांस आपके एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के आप लोगों ने मेरे साथ में चार जो फोक डांसेज होते हैं उनको देखा आपने। चलिए मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, अब छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। भाई छत्तीसगढ़ में कौन कौन से होंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट? देखिए यहाँ पर हमारे पास में पहला है गोरमारिया, नेक्स्ट वन इज साइला डांस, एंड नेक्स्ट वन इज राउत नाच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राउत नाच है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, बार बार देखा गया है प्रीवियसली, दिस क्वेश्चन केम मेनी टाइम्स इन योर एग्जाम्स। ओके सो इट इज़ परफॉर्म बाय यादव और यदुवंशी, जो यादव लोग होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पंथी डांस, पंथी डांस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो पंथी डांस के अंदर में भी ये कहाँ पर किया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है और ये सतनामी जो ट्राइब है वहाँ की वो इसको परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुवा डांस, नेक्स्ट वन इज सुवा डांस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुवा? सुवा को वहाँ पर बोलते हैं पैरट, जो तोता होता है उसको सुवा बोला जाता है, और उसी को क्या करते हैं बीच में रख देते हैं और उसी के चारों तरफ में चक्कर लगाते हैं। दे राउंड इन ए सर्किल, दे पुट ए पैरट इन बिटवीन एंड सर्किल अराउंड दिस पैरट लाइक दिस, एंड दिस इज डांस इज नोन एज सुवा डांस। सुवा डांस से जानते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज पंडवानी। ओके तो इसके अंदर में पांडव जो लोग थे उनकी पोर्ट्रेज जो है उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज झिरलिती, एंड लास्ट वन इज गेंडी डांस। कौन सा भाई? गेंडी डांस है। तो छत्तीसगढ़ के ये सुपर इंपॉर्टेंट जितने हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए राउत नाच, पंथी डांस, राउत डांस एंड पंथी डांस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बाद में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, हम चलते हैं नेक्स्ट, गो टू हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पहला जो डांस है वो नाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो डेमन और राक्षस डांस। अभी डेमन और राक्षस डांस क्या होता है? इसके अंदर में पहले क्या होता था कि खेत वगैरह में ऐसा माना जाता था कि राक्षस आते थे और उनकी फसल जो थी उनको तबाह करके चले जाते, देर डिस्ट्रॉय देर एग्रीकल्चर एंड देर हार्वेस्टिंग। तो वहाँ पर क्या करते थे, ये पूजा करते थे कि मतलब ऐसी उनकी मानना था कि जब हम पूजा करेंगे तो भगवान आएंगे और इन राक्षसों का नुकसान मतलब इनका नाश कर देंगे और हमारी फसल को बचा लेंगे। तो उसी के नाम पर एक डांस किया जाता है, उसी को जाना जाता है डेमन डांस या राक्षस डांस के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं रिचुअल परस्यूड अवे बाय द फोर्स ऑफ गुड, उनकी अच्छाई के लिए उन्होंने ये गेम किया जाता है कि भगवान आएंगे और उनकी फसल को बचाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास में है डलहौंस और चोलंबा डांस है, ठीक है। नेक्स्ट सांड एंड सबू, ये भी डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांगी डांस। डांगी डांस आपके एग्जाम में बार बार देखा गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड नेक्स्ट वन इज
कयांगमाला इसका नेक्स्ट हमारे पास में है। तो यहाँ से हमारे पास में हिमाचल के कौन कौन से सुपर इंपॉर्टेंट बनते हैं, वन इज़ नाथी डांस, नेक्स्ट वन इज़ डांगी एंड लास्ट वन इज़ कयांगमाला। तो ये सारे आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की तरफ है, नाउ मूव टुवर्ड्स द गुजरात। गुजरात के अंदर में पहला जो डांस है डांडिया, सब लोगों ने भाई पता है इसका, डांडिया और गरबा दो डांस होते हैं वो बहुत फेमस है कहाँ के, गुजरात के। तो आप सबको यहाँ से इजीली लगा लोगे डांडिया और गरबा। मैं छोटा सा बता दूँ आपको, लेट मी एक्सप्लेन ए लिटिल बिट अबाउट डांडिया। तो डांडिया जो होता है इसके अंदर में जो दुर्गा और महिषासुर के बीच में लड़ाई हुई थी, जो गोडेस दुर्गा थी और महिषासुर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसी डांस को यहाँ पर इसके अंदर में करके दिखाया जाता है। और गरबा का मतलब होता है, गरबा इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत का एक वर्ड है गरबा, वहाँ से इसका मतलब निकाला गया है और ये डीप यानी कि वूम्ब होते हैं। ओके तो इसके अंदर में डांस किया जाता है भाई। नेक्स्ट हम बात करें पदार, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुजरात। नेक्स्ट इज हुडो डांस एंड लास्ट वन टिप्पणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो फोक डांस जो गुजरात से हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में कौन से हैं, टिप्पणी डांस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। असम के अंदर में बहुत सारे डांसेज है जिनको हम देखते हैं भाई। पहला हमारे पास में बगरुम्बा डांस ओके, बगरुम्बा डांस वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज भोरथान, बगरुम्बा आप लोग देख रहे होंगे कि ये डांस किया जा रहा है, इसके अंदर में कुछ बोडो फेस्टिवल होता है उस टाइम पर ये किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर में विष्णु संक्रांति के टाइप में मानते हैं या फिर मिड अप्रैल के आसपास में इसको किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें भोरताल के अंदर में क्या होता है, परफॉर्म बाय बरपेटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में किया जाता है। जो डांसर होते हैं ये सिंबल्स होते हैं इनके पास में, इस तरह के सिंबल्स होते हैं, ये आपस में बजाते हैं, दे बीट लाइक एंड साउंड इज जनरेटेड फ्रॉम देयर। सो दिस डांस इज नोन एज भोरताल यहाँ पर किया जाता है असम के अंदर में। ओके नेक्स्ट वन इज ओजापल्ली, नेक्स्ट ये हमारे पास में आ गया झूमर है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द झूमर, ठीक है। झूमर कहाँ पर था हमारे पास में, झारखंड के अंदर में था, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द झूमर दैट परफॉर्म्ड इन झारखंड, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में झूमर है यहाँ पर, इट इज़ मेनली परफॉर्म्ड बाय द टी कम्युनिटी इन ओटम, जो चाय की कम्युनिटी है ना, आप सबको पता है कि आसाम के अंदर में सबसे ज़्यादा चाय पाई मिलती है, ठीक है। तो वही इस जो कम्युनिटी है वो इसको परफॉर्म करती है झूमर को, ओके इंपॉर्टेंट है भैया। बिहू वेरी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिहू भी हमारे पास में कितना होता है, तीन तरह के होते हैं बिहू, तो वो चीज़ आप लोग समझ लो भैया मेरे साथ में। पहला होता है हमारे पास में रोंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं, और ये जो फेस्टिवल है ये परफॉर्म किए, ये जो डांस है वो परफॉर्म करते हैं अप्रैल के आसपास में, ताकि जो स्प्रिंग फेस्टिवल है वसंत ऋतु है उसके आसपास इसको एंजॉय किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोंगाली या फिर कटी बिहू के नाम से जानते हैं, ये अक्टूबर के आसपास में किया जाता है, दिस डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग अक्टूबर। ये जो लोगों की फेथ है एग्रीकल्चर को लेके, और ये खेत में जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं अपने फील्ड्स के अंदर में एग्रीकल्चर में जाते हैं और वहाँ पर दिए लैंप वगैरह वहाँ पर लाइटिंग करते हैं। ओके दिस वन इज रोंगाली डांस एंड नेक्स्ट वन इज कोंगाली डांस, और ये ऐसा टाइम होता है कि इनके पास में मतलब कहीं मनी का क्राइसिस आ गया, जैसे हम बात करें कोंगाली तो कहीं ना कहीं ये कंगाली से रिलेटेड है, मीन देर इज अ क्राइसिस ऑफ मनी, सो दिस डांस इज रिलेटेड टू दिस। ओके तो कटी बिहू के नाम से आप इसको जानते हैं। नेक्स्ट इज भोगाली, भोगाली मतलब जब आप हार्वेस्टिंग हो जाती है यानी कि फसल वगैरह कट जाती है, जैसा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा फसल कटने के बाद में जो उसका भोग करना, तो वहीं से ये वर्ड निकल के आया भोग। ओके सो जनवरी के आसपास होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल इन द वोग इज डन वैन का हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ क्रॉप्स कम, जब उनका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा बिहू को, रोंगाली बिहू, नेक्स्ट वन इज कोंगाली बिहू एंड लास्ट वन इज भोगाली बिहू। ओके आई होप आप लोगों को अभी तक जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। लास्ट डेट हमारे पास में उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा के जितने भी डांसेज है दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तुम्हारे पास में उड़ीसा का जो सबसे पहले डांस आता है दैट इज़ गोटीपुआ। गोटीपुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माना जाता है कि जो उड़ीसी डांस है, द उड़ीसी क्लासिकल डांस इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम गोटीपुआ। तो गोटीपुआ डांस हो गया हमारे पास में, और इसके अंदर में लड़के जो होते हैं वो लड़के की पोशाक में इस डांस को परफॉर्म करते हैं लाइक दिस। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो पहली पिक्चर मैंने यहाँ पर डाली हुई है इसके अंदर में गोटीपुआ जो है, इसके अंदर में लड़के जो होते हैं तो इसके अंदर में लड़के जो होते हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं लड़कियों की ड्रेसअप करके, ठीक है। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज प्रिसर ऑफ ओडिसी डांस, द डांस फ्रॉम द इन्वॉल्व एक्रोबैटिक्स मूव्स परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज ड्रेस इन फेमिन करेक्टर्स के अंदर में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें छऊ डांस, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था अबाउट द छऊ डांस दैट इट परफॉर्म्ड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ओके नेक्स्ट वन इज घुमरा डांस, देखो छऊ जो डांस है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पहले पढ़ चुके तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट इज घुमरा डांस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज रनप्पा बार बार आपके एग्जाम में देखा गया, रनप्पा इसके अंदर में क्या करते हैं, परफॉर्मर होते हैं लॉर्ड कृष्णा के जो बचपन होते हैं उसकी कहानी की
परफॉर्म किया जाता है उसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट है चैती घोड़ा। चैती घोड़ा में क्या करते हैं, उसका एक डमी लेके, घोड़े की डमी लेके उसके अंदर में बीच में घुस के, और क्या करते हैं इसको एक डमी टाइप में घोड़े को इधर उधर मूव करवाते हैं, उसके साथ में डांस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें दलखाई डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दलखाई डांस, ओके। ये संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में ये किया जाता है भाई, ओके। नेक्स्ट वन इज दंड नाथ है, और इसके अंदर में क्या किया जाता है, ये अपने आप को जो परफॉर्मर होते हैं वो दंड देते हैं, दंड का मतलब होता है अपने आप को पनिशमेंट देना, ठीक है। तो ये परफॉर्म कहाँ पर किया जाता है, ये उड़ीसा के अंदर में किया जाता है। लास्ट वन इज मेदा नाच, मेदा नाच भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और चलिए दंडनाथ आप लोगों ने देख लिया, दंड है और उसके अंदर में जो गोड़ है उसकी प्रे की जाती है काली और शिवा के अंदर में की जाती है। तो आप लोगों ने उड़ीसा के जितने भी डांसेस थे उनको यहाँ पर देख लिया होगा भाई, कौन कौन से, गोटीपुआ, छऊ डांस, घुमरो डांस, रनप्पा, चैती घोड़ा, दलखाई दंडनाथ और मेदनाच। चलिए तो ये था भाई हमारा वीडियो फोक डांसेस को लेके, पार्ट वन था ये। इसके बाद में पार्ट टू आएगा हमारा, जिसके अंदर में जो बाकी स्टेट्स बच गए हैं उनके फोक